विकास और मेरे पिता का नाम पर्यायवाची रहे हैं हाजीपुर में। जमुई लोकसभा को 99 पायदान से पहले पायदान पर लेकर आए। कोई बात नहीं, मतलब ऐसे सपने देखने में कोई गलती नहीं है। नादानी में इस तरीके की बातें लोग कहते हैं। 14 में भी कही थी, 19 में भी कही थी। इंडिया अलायंस, महागठबंधन, जो भी इन लोगों का नाम है, ऑल टाइम लो पर ये जाएगा। कांग्रेस खास तौर पर ऑल टाइम लो पर रहेगी काफी हद तक, काफी ज्यादा मुझे लगता है। प्रचार प्रसार के दौरान, और ये रिश्ता मेरा सिर्फ प्रचार प्रसार का ही नहीं है, बचपन से जब मैं राजनीति का रह भी नहीं जानता था, जब बचपन में बच्चों को घर के पते याद करवाए जाते थे, तब से हाजीपुर का नाम मेरे कानों में गूंजता था। मेरे जन्म से पहले 77 से पापा प्रतिनिधित्व करते आए हैं हाजीपुर का, तो वो रिश्ता अलग है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि जो प्यार मेरे पिता को मिलता था वही मुझे भी मिला। उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए विकास और मेरे पिता का नाम पर्यायवाची रहे हैं हाजीपुर में। जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं निकला हूं। प्रयास रहेगा कि देश के सबसे विकसित लोकसभाओं में से हाजीपुर लोकसभा हो, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। जमुई में भी 10 साल का मुझे समय मिला और जमुई में 10 सालों में मैंने जमुई लोकसभा को 99 पायदान से पहले पायदान पर लेकर आए। नीति आयोग की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि आकांक्षी जिलों की सूची में जो जमुई पहले 99 पर था, आज पहले पायदान पर है। तो ये अनुभव है कार्य करने का, और मानता हूं कि हाजीपुर में इसी अनुभव के आधार पर कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि 300 सीटें इंडिया में इस बार आएंगी, क्या लगता है? कोई बात नहीं, मतलब ऐसे सपने देखने में कोई गलती नहीं है। नादानी में इस तरीके की बातें लोग कहते हैं। 14 में भी कही थी, 19 में भी कही थी। 14 से बुरा हर्ष इन लोगों का 19 में हुआ, 19 से बुरा, और बुरे में अब और क्या हो सकता है राजद के लिए, क्योंकि उनके पास तो कोई सीट 19 में भी नहीं थी, तो उससे बुरा तो क्या ही होगा। बट कांग्रेस एक जीती थी, इस बार वो भी हम लोग जीत रहे हैं, किशनगंज वाली सीट। और देशभर में अगर आप देखिएगा तो जहां हम लोग का गठबंधन 400 पार कर रहा है, वहीं इंडिया अलायंस, महागठबंधन, जो भी इन लोगों का नाम है, ऑल टाइम लो पर ये जाएगा। कांग्रेस खास तौर पर ऑल टाइम लो पर रहेगी। एक आखिरी सवाल, अमित शाह ने कहा है कि अभी तक की चरणों में हम लोग को बहुमत मिल गया है, 270 सीटों में अभी तक जीते हैं, 400 पार कर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, हम लोग भी तो आकलन करते हैं ना, हम लोग के भी सर्वेज आते हैं। बिहार की तमाम सीटों पर मैं प्रचार के लिए मैं गया हूं, और देशभर में भी जहां जहां से रुझान आ रहे हैं, शुरू के हम लोग के जो चार चरण हुए हैं, चार चरण में 300 प्लस सीटों पर मतदान हुआ है। इसमें से एक बात है कि बहुमत हम लोग ले चुके हैं, 270-275 के आसपास हम लोग ऑलरेडी इसी फेज में, इन्हीं चार फेजेस में हम लोग आ गए। अब आगे के जो तीन फेजेस हैं, आज पांचवें चरण का है, छठे सातवें चरण में आप देखिएगा हम लोग 400 के लक्ष्य के पास होंगे। विकास और मेरे पिता का नाम पर्यायवाची रहे हैं हाजीपुर में। जमुई लोकसभा को 99 पायदान से पहले पायदान पर लेकर आए। कोई बात नहीं, मतलब ऐसे सपने देखने में कोई गलती नहीं है। नादानी में इस तरीके की बातें लोग कहते हैं। 14 में भी कही थी, 19 में भी कही थी। इंडिया अलायंस, महागठबंधन, जो भी इन लोगों का नाम है, ऑल टाइम लो पर ये जाएगा। कांग्रेस खास तौर पर ऑल टाइम लो पर रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।